हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है आपका फेलिंग विलयन का परीक्षण। टॉपिक क्या है? फेलिंग विलयन का परीक्षण। हम कैसे करते हैं, किस प्रकार हम फेलिंग विलयन किसी भी अभिकर्मक के साथ लगा के रिजल्ट को निकालते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो इस पे हम करते क्या है, एल्डिहाइड ग्लूकोज या फॉर्मिक अम्ल। हम इसके लिए करते क्या है, एल्डिहाइड ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं या फिर फॉर्मिक अम्ल ले सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्लूकोज या फॉर्मिक अम्ल को जब हम फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं या ग्लूकोज या फॉर्मिक अम्ल, कोई सा भी एक अभिकर्मक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको जब हम फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CU2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी ही हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम फेलिंग विलयन परीक्षण। सिंपल आप ये समझ सकते हैं, जिन तत्वों में, जिन अभिकर्मकों में CHO समूह उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, CHO मूलक उपस्थित हो, वो किस में यूज आते हैं, फेलिंग विलयन परीक्षण में यूज आते हैं। ठीक है, तो अब CHO समूह किस किस में उपस्थित होता है, जैसे कि आपके एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड जैसे कि आपका हो गया एस्टेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO या फिर आपका फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं एस्टेल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये एस्टेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड तो आपका एल्डिहाइड हो गया, और फॉर्मिक अम्ल भी हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हमने लिया है एस्टेल्डिहाइड। फेलिंग विलयन परीक्षण के लिए हमने इसमें क्या लिया है, एस्टेल्डिहाइड लिया है। अब इस पर हम क्या मिलाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस, जिसके हमने दो भाग ले लिए। हमने इसमें सिंपली एस्टेल्डिहाइड लिया और फेलिंग विलयन के लिए हमने क्या लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड के विलयन का दो भाग हमने एस्टेल्डिहाइड में मिला दिया। ठीक है, एस्टेल्डिहाइड में हमने क्या किया, कॉपर हाइड्रोक्साइड को मिलाया, जिससे एस्टेल्डिहाइड का जो CH3 समूह है, ठीक, CH3CHO है, तो ये जो O है वो C के बाद लग जाएगा और CuOH का जो होल ट्वाइस है उससे एक ऑक्सीजन हम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एस्टिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COH आपका एस्टिक अम्ल बन जाएगा और ये जो कॉपर 2Cu है ना, ये आके नीचे लग जाएगा सफिक्स में CU2O, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं फेलिंग विलयन परीक्षण। ठीक, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ना CU2O, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फेलिंग विलयन कहते हैं। तो हमने इसमें किया क्या, हमने लिया एस्टेल्डिहाइड CH3CHO और कॉपर हाइड्रोक्साइड के दो भाग अणुओं को हमने एस्टेल्डिहाइड में मिलाया, और जब दोनों को मिला के हमने गर्म किया तो सिंपली हमें क्या प्राप्त हुआ, एस्टिक अम्ल CH3COH प्लस CU2O आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप और जल के अणु 2H2O जो आपके हाइड्रोक्साइड यानी OH का होल ट्वाइस था ना, एक ऑक्सीजन निकाल लिया, उससे जल के अणु बाहर निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप, और ये CU2O क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक, यही उत्पाद हमने प्राप्त किया किससे, एस्टेल्डिहाइड में, जब हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिला के गर्म किया। तो ये था आपका फेलिंग विलयन परीक्षण। तो आई होप आपको समझ में आया, समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।